तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बैंजो की बटन पट्टी। तो बटन पट्टी बनाने के लिए हमें कुछ ड्राइंग निकाली है। कुछ इस प्रकार से हमें लकड़ियाँ लगेगी, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो बटन पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर वाली बटन पट्टी बनानी है, जो पट्टी ऊपर लगती है। तो इसकी साइज़ है 24 इंच, तो यहाँ से हमें 24 इंच लेना है। और इसकी मोटाई है 10 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ बटन पट्टी के लिए कुछ ऐसी लकड़ी लेनी है, उसकी साइज़ है 23 इंच, जिसकी लंबाई है 23 इंच, और उसके बाद इसकी मोटाई है 12 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई 12 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें कुछ इस प्रकार से दो लकड़ियाँ लगेगी। उसके बाद दोस्तों हमें रीड पट्टी लगेगी, जो हमने पहली वीडियो में बनाया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, कुछ इस प्रकार से रीड पट्टी लेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, बटन पट्टी की निचली वाली पट्टी, ये वाली हमें ये पट्टी लेना है और इसके साथ इसकी मार्किंग करनी है। तो हम मार्किंग करेंगे, तो दोस्तों हमें मार्किंग कर ली है रीड पट्टी के साथ। तो हमें ऐसी सीधी लाइन खींचना है, इसके बाद कुछ इस प्रकार से ऐसी सीधी लाइन खींचना है जहां हमने मार्किंग किया है, आप देख सकते हो। इस प्रकार से हमें सीधी लाइन खींचना है, तो हम सीधी लाइन खींचेंगे अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने लाइन खींच दी है रीड पट्टी के सहारे, उसकी मार्किंग करके हमने लाइन सब खींच दी है। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ रेड पट्टी को यहाँ पे उसके ऊपरी भाग में 0.5 सेंटीमीटर मार्किंग करना। मैं ड्राइंग बताता हूँ, एक कुछ इस प्रकार से 0.5 सेंटीमीटर मतलब 5 mm हमें यहाँ से मार्किंग करनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम मार्किंग करेंगे अभी 5 mm पर। तो दोस्तों हमने मार्किंग कर ली है। तो ये मार्किंग हमने किस लिए की है कि ये जो बटन का जो दिख रहा है आधा गोल, तो ये इसमें फंसेगा ऐसा, ये हम बाद में बताएंगे इसको कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसा मार्किंग करना है कुछ इस प्रकार से, 4 होल, 4-5 होल आप मार दो ड्रिल से। उसके बाद दोस्तों हमें ऊपर वाली पट्टी लेनी है और इसको ड्रिल मार के यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें फिट करना है। तो हम अभी फिट करते हैं तो दोस्तों हमने ड्रिल मार के यहाँ पे स्क्रू के मदद से हमने फिट कर दिया है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हो बैंजो की बटन पट्टी। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें 100 फ्रेम से यहाँ पे कट लगाने हैं कुछ इस प्रकार से, मैं दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने ऐसा सीधा मार्किंग किया है वहाँ पे हमें कट लगाना है। तो हम अभी कट लगा दें। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें कट लगाना है, जिसके वजह से हमारा बैंजो का बटन कुछ इस प्रकार से इसमें फंस जाएगा, आप देख सकते हो हमारा बैंजो का बटन इसमें फंस जाएगा। तो ये मार्किंग हम किसके लिए किए हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम इसको पूरी जगह से ऐसा कट मार देंगे पूरे पट्टी पर। तो दोस्तों हमने स्लॉट मार लिया है 100 ब्लेड की मदद से। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक बटन लेना है और उसको चेक करना है कि हमारा बटन फ्रीली मूव हो रहा है कि नहीं उस गैप में से।
उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमने एक ड्राइंग बताई थी स्टार्टिंग में, आधा सेंटीमीटर पर मार्किंग करनी है, यहाँ पर आधा सेंटीमीटर लेके। तो हमें यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कट लगाना है, एक ऐसा लंबा। हम ग्राइंडर की मदद से अभी कट लगाएंगे, को दिखाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने मार्किंग की थी ग्राइंडर के मदद से, वहाँ पे कट लगाना है सिंपली। तो हम कट लगाते हैं अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ग्राइंडर की मदद से हमने कट लगा दिया है। तो ये कट क्यों लगाया है, ताकि ये जो हमें एक रॉड लिया है ये यहाँ पे ऐसा लगेगा। और ये रॉड का क्या काम है, हमारा जो बटन है ना कुछ इस प्रकार से जाएगा इसमें, और ये इसमें ऐसा फंस जाएगा, तो ये ऐसा मूव होएगा। तो हम अभी इसको स्टेपलर की मदद से लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों हमने रॉड फिट कर लिया है कुछ इस प्रकार से। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बटन लेके हमें सिंपली चेक करना है कि हमारा बटन मूव हो रहा है कि नहीं इसमें फंस कर कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमने एक ड्राइंग निकाली है कुछ इस प्रकार से, ये आधा सेंटीमीटर और ये डेढ़ सेंटीमीटर। तो आधे सेंटीमीटर में तो हमने रॉड लगा लिया, इधर आधे सेंटीमीटर में रॉड लगा दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये रॉड से लेके यहाँ तक डेढ़ सेंटीमीटर हमें मार्किंग करनी है, डेढ़ सेंटीमीटर लेके। तो हम अभी मार्किंग करके बताते हैं। देखो हमने पहले मार्किंग कर ली थी यहाँ पे डेढ़ सेंटीमीटर, तो यहाँ रॉड लिया, रॉड से यहाँ हमें डेढ़ सेंटीमीटर मार्किंग करनी है। डेढ़ सेंटीमीटर पर हम मार्किंग करेंगे पहले। हम यहाँ पर अभी लाइन खींचेंगे एक, तो मार्किंग करने के बाद दोस्तों हमें इस मार्किंग पर ड्रिल करना है, तो हम ड्रिल करेंगे अभी। तो दोस्तों ड्रिल मार के हो गया है हमारा, अगर पूरे इसको बटन पट्टी को ड्रिल मारता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमने ड्रिल मार लिया है, तो ड्रिल मारने के बाद हमें सिंपली एक स्प्रिंग लेना है कुछ इस प्रकार से। तो स्प्रिंग कैसे बना है, ये स्प्रिंग कैसे बना है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से हमें इसमें फिट कर देना है होल में जहाँ पर हमने ड्रिल मारा था। उसके बाद हमें एक बटन लेना है और सिंपली इसके अंदर फिट कर देना है। उसके बाद हमें चेक करना है हमारा बटन फ्रीली मूव हो रहा है कि नहीं, दब रहा है कि नहीं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें बैंजो की बटन पट्टी भरना है। तो बटन पट्टी के बाद बैंजो के बटन असेंबल कैसे करें, यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।